हाय फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर रियल टॉक विद मनोज ढाका का नमस्कार। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ हर की पौरी हरिद्वार के अंदर, और यहीं का हरिद्वार का हर की पौरी का पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही ये फैंटास्टिक व्लॉग होने जा रहा है, वीडियो अच्छी होने जा रही है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। और चलिए पूरी हर की पौरी दिखाता हूँ, ये हर की पौरी का ही व्लॉग है तो यही दिखाते हैं। और आज कार्तिक का पहला दिन है, और रात में जैसे कि आपको पता है चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण के बाद जो स्नान करते हैं हम सीधा गंगा जी गंगा मैया में स्नान करने आए हैं, यानी कि ग्रहण को धोने के लिए हर की पौरी पे पहुंचे हुए हैं। और अभी अभी हमने जो है स्नान की करेंगे, अभी वो भी आपको दिखाएंगे। और ये मेरा बेटा और भांजा दोनों नहाते हुए गंगा मैया में हर की पौरी पे, और ये हर की पौरी सभी नहाते हुए। पानी का भाव बहुत ही कम है, यानी कि पानी का लेवल कम है, और गंगा जी की सफाई भी चल रही है गंगा मैया की, और बहुत भीड़ अब आज भी काफ़ी है। चलो डुबकी लगाते रहो, नहाते रहो, माई लगाओ डुबकी। ये डुबकी लगाते हो बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस माई, बस माई हो गया, थैंक यू। मनसा देवी का मंदिर ऊपर जो पहाड़ों पे है दिखाई दे रहा है, काफी दूर मंदिर है, पहाड़ों पे जाते हैं, अंदर से रास्ता है। और ये हरिद्वार है, हरिद्वार सिटी, इसके पीछे पूरा उधर तक हरिद्वार सिटी है। और ये जैसा कि मैं कह रहा था हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी पे हम आए हुए हैं, और भीड़ काफी है, ठीक ठाक भीड़ है। पानी जो है बहुत ही कम है, सफाई भी चल रही है गंगा मैया की, और पानी का भाव भी बहुत कम, और देख आप लेवल भी देख सकते हैं, अंदर बीच में गए लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ घुटनों तक पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और नहाने का एक अलग ही मजा, कम पानी में भी, क्योंकि ज्यादा भाव में डर भी लगता है, तो बच्चे भी जो है बीच में जाके नहा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी फैमिली जो है बीच में देख, एक फैमिली देख सकते हो आप कैसे बीच में जाके जो है एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में ही गंगा स्नान भी आता है, पूर्णिमा के दिन लास्ट दिन, जो कार्तिक का लास्ट दिन होता है। और ये आप देख रहे हो भीड़ देख रहे हो, सुंदर नजारा देख रहे हो, और पानी का भाव जैसे मैंने बताया कम है, पानी का लेवल भी बहुत कम है। दूसरी तरफ अब भी हम चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे। जो मेन गंगा है ये तो नहाने के लिए बनाई गई है, जैसे आपको मालूम है हर की पौरी, यहाँ पे नहाने के लिए ये घाट बनाया हुआ है, और मेन घाट यही है हर की पौरी यहाँ का। और ये मंदिर जो है फेमस मंदिर भी यहाँ का, श्री महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर शिव मंदिर भी, और ये जो है जंजीरें वगैरह लटकी हुई है जैसे आप देख रहे हैं, नहाने के लिए बनाया है उसी पर्पज से। यहाँ भी ये जंजीर आप देख सकते हो, दो बार जो है जंजीर पकड़ के नहाते हैं, ये पड़ी हुई है। जब बाहर तेज होता है, अभी तो जरूरत नहीं है, तो अभी तो ऐसे ना रहे, तो चलिए बीच में भी दिखाते हैं, और मेन गंगा मैया के दर्शन भी आपको कराते हैं, जो मेन है मेन उस तरफ है। और यहाँ पे घंटाघर जो मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी चलिए उस तरफ से जाके दिखा रहे हैं। और ये एक पुल नया बनाया था, जो फुट ओवर ब्रिज है एक तरह से, और लोग बाग आप देख ही रहे हो। और ये घंटाघर, इसका जो कलर कर दिया अब इसको काफी सुंदर कर दिया, पेंटिंग वगैरह करके अच्छा सुंदर पेंट। और घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि टाइम जरूर उसमें कुछ जो है टाइम जरूर गलत अभी दिखा रही है, उतना टाइम हुआ नहीं है अभी। और वो पहाड़, और वो दूर तक वहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा ये जो है पटरी बनाई हुई है, घाट बनाया हुआ है, घाट जिसको कह सकते हैं, और ये घाट बनाया। और इस तरफ लेवल में दिखा देता हूँ गंगा मैया का, जो लेवल है वो कितना कम हो गया। जब हम बेसिकली सावन में जब आते हैं तो यहाँ तक जो है पानी रहता है, यहाँ तक ऊपर तक पानी रहता है, और नीचे पत्थर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देते। आप देख रहे हो लेवल इतना कम है कि सारे पत्थर वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी पीछे से काफी कम आ रहा है इन दिनों में। हालांकि पानी साफ है, पानी का जो प्योरिटी अच्छी है, और मिट्टी वगैरह कम आ रही है, साफ सफाई चली रही है, तो सुंदर नजारा आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, और जो है जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ हर की पूरी दिखाएंगे, वहां भोलेनाथ की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी, ऊंची सी प्रतिमा। तो ये जो कि पानी के अंदर पूरी की पूरी डूबी हुई होती है, अभी जो है पूरी दिखाई दे रही है, और वो ब्रिज भी वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये तो वहाँ लेवल जो है टच करके चलता है, गर्मियों के दिनों में तो पानी जा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर पिघलता है, तो पिघलने से पानी ज़्यादा आता है, पर अब जो क्योंकि सर्दियाँ हो गई है ऊपर, तो पानी कम पिघल रहा है, तो पानी कम आ रहा है, और बरसात वगैरह भी अभी कुछ हो नहीं रही है, तो भी लेवल जो है कम है। ये घंटाघर है, उधर ऊपर पहाड़ियाँ है, और ये सारा नज़ारा दूर दूर तक हम दिखा रहे हैं एक बार घूम के। वीडियो देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, आगे के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। ये छोटा सा व्लॉग मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया था, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।